पेज नंबर 3, चैप्टर 1, पीटी थियरी. इन प्रीवियस वीडियोस आई एक्सप्लेन यू धारणा एंड ध्यान. नाउ लेट्स कंटिन्यू. आई एक्सप्लेन यू मेडिटेशन विद एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिटेशन विदाउट एट्रीब्यूट्स. विदाउट एट्रीब्यूट्स मीन्स नाउ यू डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट फॉर मेडिटेशन. इन मेडिटेशन विद एट्रीब्यूट्स आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और उस पर मेडिटेट किया. नाउ विदाउट एट्रीब्यूट, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, ओके, यू कैन डू मेडिटेशन ऑन योर टिप ऑफ द नोज विद क्लोज्ड आइज. यू कैन मेडिटेट ऑन योर टिप ऑफ द नोज. यू कैन मेडिटेट ऑन मिडल ऑफ द आईब्रो विद क्लोज्ड आइज और ऑन चैंटिंग ऑफ द मंत्र विद क्लोज्ड आइज. क्वाइटली मेंटली यू कैन चैंट एनी मंत्र एंड यू कैन मेडिटेट ऑन दैट मंत्र. और ब्रीदिंग इन एंड आउट, दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक. ब्रीदिंग इन एंड आउट कॉन्टिन्यूसली यू आर ब्रीदिंग. आप ब्रीथ इन कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो. इनहेलेशन एंड एक्सलेशन तो ऑटोमेटिकली आपका हो रहा है, बस उस चीज पे फोकस करना है ना. जस्ट ऑब्जर्व, क्लोज योर आइज, जस्ट ऑब्जर्व कि आपकी सांस आ रही है और आपकी सांस जा रही है. प्रोसेस हो तो 2400 घंटे रही है ना. बस उसको मेडिटेशन में ऑब्जर्व करना है. आप कॉन्शियसली सांस ले रहे हो, कॉन्शियसली सांस छोड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है. इट्स अ गॉड गिफ्ट. नॉन स्टॉप यू आर इनहेलिंग, यू आर एक्सहेलिंग. बस मेडिटेशन में एक कॉर्नर में बैठ के विथ क्लोज्ड आईज इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है कि देखो कैसे ऑटोमेटिकली सांस आ रही है, सांस जा रही है. बस फोकस करो कि देखो इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है. तो धीरे 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 माइंड हर चीज से हटके आपकी ब्रीदिंग पे फोकस हो जाएगा. एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक. तो अभी मैंने जो आपको टेक्निक्स बताई वही आपको यहाँ एक्सप्लेन की हुई. ऑन टिप ऑफ द नोज, ऑन बिटवीन द आईब्रोज, ऑन एनी मंत्र और ऑन योर ब्रीदिंग. सो हेयर यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. दीज मेडिटेशंस आर कॉल्ड मेडिटेशंस विदाउट एनी एट्रीब्यूट. विथ क्लोज्ड आईज यू आर मेडिटेटिंग विदाउट एट्रीब्यूट्स. हेयर यू डोंट नीड एनी पिक्चर, एनी इमेज, एनी ऑब्जेक्ट. जस्ट सिट इन द कॉर्नर एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग. ओके, जस्ट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. देर इज लॉट्स ऑफ टेक्निक्स बट एट द एंड वॉट मैटर्स, प्रैक्टिस. फॉर्म एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन योग. जैसे मैंने आपको बताया बहिरंग योग जिसमें 5 पार्ट्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद माइंड प्योर हो जाता है एंड यू आर रेडी टू डू द जर्नी ऑफ इंटरनल योग. देन यू आर एबल टू डू द धारणा एंड देन यू आर एबल टू डू द व्हेन यू गेट मैच्योर धारणा में, तब आप ध्यान मेडिटेशन कर सकते हो. और ये एक ऐसी स्टेज है जहां थॉटलेसनेस आ जाती है, विचार शून्यता, थॉटलेसनेस. जब माइंड प्योर हो जाता है मेडिटेशन से तब एक बहुत ही अच्छी स्टेज जो हमने शायद आज तक महसूस ही नहीं की है वो आती है थॉटलेसनेस की. नॉन स्टॉप कंटिन्यूस अनलिमिटेड थॉट्स आर अराइजिंग इन अवर माइंड. बट व्हेन यू प्रैक्टिस मेडिटेशन यू अचीव द कंडीशन ऑफ थॉटलेसनेस विथ मेडिटेशन ओनली. और एक ऐसी स्टेज आती है जब आप खुद को भूल जाते हो. यू एज अ मेडिटेटर यू डिसअपियर और सिर्फ आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हो बस वही रह जाती है. दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ नथिंगलेसनेस, है ना. बहुत एडवांस स्टेजेस है नो डाउट, बट वेल डन इज हाफ बिगिन. अगर आप शुरू करते हो तो जरूर इस स्टेज पर पहुंच सकते हो. इन द अध्याय 6 ऑफ भगवद गीता गॉड कृष्णा लॉर्ड कृष्णा हैज एक्सप्लेन्ड वेयर टू सिट, हाउ टू सिट इन द मेडिटेशन. ओके, सो एक्चुअली आप योगी तो हो नहीं, जंगल में तो नहीं जा सकते. हाँ, घर पे एक शांत कॉर्नर में तो आप सिट करके अच्छे से यू कैन डू द प्रैक्टिस. यू कैन सिट ऑन द कार्पेट, यू कैन सिट इन द वेल वेंटिलेटेड प्लेस, होली प्लेस. ऐसा तो घर का जरूर एक कॉर्नर होगा जहां पे अच्छी सी हवा, रोशनी, सूर्य प्रकाश आता होगा. एक छोटा सा कॉर्नर तो होगा जहां पे आप शांति से माइंड को क्वाइट करके मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हो, है ना. सो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने से आपके माइंड की अनस्टेडीनेस दूर हो जाएगी और एक डिवोशन भी गॉड के लिए आपका
बढ़ेगा. और बेनिफिट्स तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, लेकिन देन ऑल्सो लिसन द बेनिफिट्स, कितना फ़ायदा आपको हो सकता है. बाय चेंटिंग ओमकार द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बिकम्स एफिशियंट, योर ब्लड सर्कुलेशन, योर डाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम इम्प्रूव्स. ओके, नेगेटिव थॉट्स आर रिमूव्ड. ओके, मेडिटेशन मेक्स ब्रीदिंग प्रोसेस ईजी, सो देर इज नो चांस ऑफ द डिजीजेस लाइक अस्थमा, हिस्टीरिया और फॉरगेटफुलनेस. एंड वेन यू डू द मेडिटेशन विदाउट एनी रीजन, आप खुश रहते हो, आपके फेस पे स्माइल आ जाता है, एंड योर बॉडीली हेल्थ, आपके शरीर की हेल्थ वो बढ़ती जाती है, याददाश्त की शक्ति, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता जाता है, और जो प्रैक्टिस करता है उसके अंदर फियरलेसनेस आ जाती है, निडर बन जाता है, माइंड साउंड मजबूत हो जाता है, और आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, एंड इन शॉर्ट मेडिटेशन गिव्स यू हैप्पीनेस, पीस एंड सेटिस्फैक्शन. इन शॉर्ट प्रैक्टिस इट और एक्सपीरियंस करो कि ये कितने कमाल की चीज़ है, आपको आपके एंशियंट गुरुओं ने ये विद्या दी है, ये ज्ञान दिया है, दैट इज वेरी वेरी मच हेल्पफुल टू यू. खाना खाने सोने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है आपके लिए. ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन. गॉट इट? लेट्स मूव पेज नंबर 5. द लास्ट स्टेज इज समाधि, धारणा, ध्यान एंड समाधि. महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है कि ये लास्ट स्टेप है अष्टांग योग का, और अंतरंग योग में भी ये लास्ट स्टेप है. धारणा और ध्यान के बाद आप समाधि की स्टेज को अनुभव कर सकते हो. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों सेम ही है, तो फिर तीनों में फर्क क्या है? डिग्री का. कि धारणा में ध्यान, धारणा जब पावरफुल हो जाती है तो वो ध्यान हो जाता है, ध्यान पावरफुल हो जाता है तो वो समाधि हो जाती है. सो एक्चुअली दीज थ्री आर सेम, बट तीनों में डिग्री और ऑफ पावर बढ़ता जाता है. ओके, व्हेन द मेडिटेटर, द वन हु इज मेडिटेटिंग एंड द मेडिटेशन प्रोसेस, ओके, व्हेन बोथ गेट एंग्रोस्ड इन द एम, समाधि इज रियलाइज्ड. द ओनली एम इज एक्सपीरियंस्ड इन द समाधि. दैट मीन्स आप अपने एग्जिस्टेंस को भूल ही जाओ, आप बस रहो ही नहीं, फिजिकली आप हो बट आपका एग्जिस्टेंस आपके लिए, आप जैसे हो ही नहीं उस स्टेज में. ओके, सो मेडिटेटर एंड मेडिटेशन प्रोसेस व्हेन बोथ आर एंग्रोस्ड, दिस इज कॉल्ड समाधि. जब आप अपना अस्तित्व आप भूल चुके हो, आपका पूरा ध्यान मेडिटेशन प्रोसेस पे है, दिस इज कॉल्ड समाधि. आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दिस इज दिस इन वर्ड्स. ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जो कोई भी पर्सन इसको थियोरेटिकली नहीं समझा सकता है. समाधि का कंसेप्ट थियोरेटिकल है ही नहीं. आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ जो पर्सन समाधि एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, वही पर्सन उसका एक्सपीरियंस बता सकता है. आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स व्हाट इज समाधि, बट so many definitions are given, like when meditation becomes enlightened in the form of aim only and free from its own self, this is called samadhi. बहुत बड़ी बड़ी definitions दी हुई हैं जो हमारे लिए तो शब्द ही हैं. ठीक है, as I explained you theoretically I can't explain you what is samadhi, but as a part of your syllabus You have to read, you have to learn, you have to understand. कई बार आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि गुरुजन ध्यान में समाधि में चले जाते हैं, है ना, और तब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट हो जाते हैं, बट वो कॉन्शियस होते हैं, दे आर वेरी वेल माइंडफुल, बट एक्चुअली उनका मेंटल स्टेट पूरी तरह फोकस्ड होता है भगवान जी के चरणों में या अपने ब्रीदिंग के ऊपर. सो उस टाइम देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड. समाधि मीन्स उस टाइम माइंड रहता ही नहीं है, टोटल ट्रैंक्वैलिटी होता है, ये माइंड में कोई टेंडेंसी उस टाइम होती ही नहीं है. सो द माइंड बिकम्स नो माइंड, दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ समाधि, जो हमारे देश के सिद्ध योगी अनुभव कर सकते हैं.
और उन्होंने अनुभव किया है, और उसी स्टेज में, समाधि की स्टेज में जो उनको ज्ञान हुआ वो उन्होंने हमें वेदों के रूप में, उपनिषदों के रूप में प्रेजेंट किया है। जब एक योगी, एक ऋषि समाधि की स्टेज में होता है, जब वो नॉन माइंड की स्टेज में होता है, तब उसको जो नॉलेज होता है तब वो गीता ज्ञान वेद उपनिषद के रूप में आता है, और नॉन ड्यूअलिटी, तब उस समाधि वाले पर्सन को ये नहीं होता है कि मैं अलग हूँ और भगवान अलग है, वो एक ही स्टेज है जब माइंड में कोई टेंडेंसी नहीं है, एंड ही कैन अटेंड लिबरेशन मोक्ष। ओके, सो इन शॉर्ट द माइंड बिकम्स स्टेडी फॉर 12 डेज, इट इज कॉल्ड समाधि, है ना। सो बहुत बड़ी स्टेज है ये, इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन यू थियोरेटिकली। ओके, सो इन शॉर्ट देयर आर टाइप्स ऑफ समाधिस एक्सप्लेन्ड इन योर टेक्स्ट बुक, सबीत समाधि, निर्भीत समाधि और धर्ममेध समाधि। ओके, सबीत समाधि मीन्स सब्जेक्ट ऑफ एम इज प्रेजेंट, एंड निर्भीत समाधि मीन्स सीड ऑफ संस्कार इन द माइंड इज ऑल्सो गेट्स डिस्ट्रॉयड, एंड धर्ममेध समाधि मीन्स विथ फुलफिलमेंट ऑफ धर्ममेध समाधि द साधक बिकम्स फ्री फ्रॉम पंच क्लेश। जब साधक को नॉलेज मिलता है समाधि में जाके, ठीक है, तब वो फ्री, अच्छा नॉलेज का भी उसको डिजायर नहीं है, ठीक है। साधक गेन्स नॉलेज ऑफ डीप मिस्ट्रीज इन द माइंड थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ समाधि, बट जो नॉलेज की डिजायर से भी फ्री है और अवेकंड भी है और उसको स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज भी है, तब वो धर्ममेध समाधि को अटेंड कर लेता है। एज आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत हाई फाई कंसेप्ट्स हैं जो हम थियोरेटिकली न समझ सकते हैं, न मैं आपको समझा सकती हूँ, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, सो जस्ट यू हैव टू लर्न। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ समाधिस, सबीत समाधि, निर्भीत समाधि और धर्ममेध समाधि। बीज मीन्स सीड, ठीक है, बीज है समाधि में, मतलब सब्जेक्ट ऑफ एम है। निर्भीत समाधि यानी माइंड में वो भी नहीं है, मतलब संस्कार कोई भी दिमाग में नहीं बचा, ये निर्भीत समाधि। और अभी धर्ममेध समाधि तो मैंने आपको एक्सप्लेन की। ओके, सो इन शॉर्ट बेटा, जब माइंड की सारी टेंडेंसीज खत्म हो जाती है उसे हम समाधि की स्टेज कहते हैं, और यहाँ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। और डोंट वरी, आपको इतने लंबे लंबे कंसेप्ट्स आंसर्स लर्न नहीं करने हैं, यू हैव टू जस्ट लर्न MCQs फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट्स इट। इस चैप्टर में सिर्फ MCQs ही हैं, और दीज आर जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको आपके एंशियंट विजडम, एंशियंट नॉलेज मिल रहा है आपको। तो जस्ट रीड दिस चैप्टर, लर्न द MCQs, और आपको पता चलेगा कितना ग्रेट हमारा स्पिरिचुअलिज्म है, कितना ग्रेट हमारा एंशियंट साइंस है ना। सो जस्ट गेन द नॉलेज, डोंट टेक दिस नॉलेज एज बर्डन कि ये तो ऋषि मुनियों की बात है, हमारी बात थोड़ी है। अरे आपको नॉलेज तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए, गॉट इट। सो जस्ट लर्न द चैप्टर, रीड द चैप्टर एंड लर्न द MCQs।